एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उनके फैंस को इतना गहरा धक्का पहुंचा है कि अभी तक लोगों को उनकी आत्महत्या की बात पर यकीन नहीं हो रहा। मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में सुशांत के चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी याद में मोमबत्तियां जलाई गईं। करगिल चौक पर जमा हुए इन लोगों ने सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड की खेमेबाजी को जिम्मेदार ठहराया और सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। कुछ लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिस पर लिखा था, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आपको बता दें कि सुशांत पटना के रहने वाले थे और उनकी मौत के बाद से ही पटना के युवाओं में बॉलीवुड के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सुशांत की मौत के लिए कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स का पुतला भी फूंका गया। आपको बता दें कि सुशांत के रिश्तेदारों सहित कई लोग उनकी आत्महत्या के पीछे किसी गहरी साजिश का अंदेशा जता चुके हैं। कई राजनेताओं और फैंस का मानना है कि सुशांत बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों की गुटबंदी का शिकार हुए, जिसके कारण वो इतने गहरे डिप्रेशन में चले गए कि अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस सुशांत से संबंधित सभी दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। सुशांत की मौत के दो दिन बाद मंगलवार को मुंबई पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची थी और उसने वहां से सुशांत के कुछ कागजात और लैपटॉप जांच के लिए जब्त किए। बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीम सुशांत के घर पहुंची थी, तब वहां उनके परिवार वालों के अलावा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी मौजूद थी। सुशांत का मोबाइल पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। मोबाइल के अलावा पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर की फाइल भी जब्त कर ली है। दरअसल सुशांत पिछले कुछ समय से डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे थे और बताया जा रहा है कि उनका इलाज भी चल रहा था। माना जा रहा है कि पुलिस इन कागजातों, मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ये जानकारी हासिल करना चाहती है कि क्या वास्तव में सुशांत पर कुछ खास लोगों द्वारा दबाव डाला जा रहा था। जब तक सुशांत की मौत का सच सामने नहीं आ जाता, उनके फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग लगातार करते रहेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।